उत्तराखंड मेरी मातृभूमि मातृभूमि। बद्रीदत्त पांडे जी ने बताया है, जो सभी लोगों ने बताया, बद्रीदत्त पांडे जी ने जो बताया है अशंति देव वंशजी को, वासुदेव का वंशज बसाया हुआ रणचूला घाट, चूला घाट पर चढ़ाई करी और दोस्तों वहां क्या करा, उस टाइम पर वहां का जो राजा हुआ करता था दोस्तों इंद्रपाल की बात है दोस्तों, जो दिल्ली में बैठता था अपने आप को इंद्र से कम नहीं समझता था, पूरा इंद्रपाल राजा हुए दोस्तों। तो दोस्तों हुआ अस्त्र का शस्त्र का दोस्तों, उस टाइम पर ज्ञान भी हुआ करता था दोस्तों, अस्त्र शस्त्र का पूरा दोस्तों। बुलाया था नरसिंह देव घाटी को उठा के उधर ले गए दोस्तों। अब दोस्तों अभिपाल अब दोस्तों बुलाया था अभिपाल ने बदली होगी राजधानी। तो दोस्तों इसमें बड़ा मतमतांतर है दोस्तों लेखकों के आधार पर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उत्तराखंड घूम लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घूम लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तों, हेमचू पहाड़ी चैनल में एक बार दोबारा से स्वागत है और दिल से स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों जो मैं आज जो आप लोगों के बीच में जो मेरे काफ़ी सब्सक्राइबरों का और काफ़ी लोग मुझसे बोल रहे थे बार बार, कल हमारे योगेश जी ने बोला कि बिच्छू देवता की हमें कहानी बताओ, और सभी लोग हमसे बोल रहे थे कि यार कतुरी वंश के बारे में बताओ, कतुरी वंश के बारे में बताओ। तो दोस्तों मैं कतुरी वंश की लीलाओं का वाहन करता हूँ। तो दोस्तों उससे पहले सभी देवताओं को आसन लगा के और सभी को आज्ञा लेके फिर मैं दोस्तों कतुरी वंश के बारे में आता हूँ। प्रथम गणेश वंदना करूं गुरु का धरूं ध्यान, आये कंठ विराजिए करूं मैं कतुरी वंश की लीला का भान। जय हो सभी कतुरी देवता, सदा रक्षा करना है सभी देवता हो यार, सदा रक्षा करने वाले तुम ही हो यार, हर जगह रक्षा करने वाले। तो दोस्तों मैं कतुरी वंशी की लीलाओं पर आता हूँ। तो दोस्तों उससे पहले माता जिया से आज्ञा लेने चल देते हैं दोस्तों, क्योंकि माता जिया रानी ही सभी देवताओं की अगवानी है, सब चीज़ की अगवानी करने वाली है। तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ चले रानीबाग चलते हैं दोस्तों पहले। तो दोस्तों हाँ आप देख सकते हो रानीबाग का दृश्य है और प्राचीन मंदिर है दोस्तों, और प्राचीन टाइम पर यहाँ पर का जो नाम था दोस्तों, जो इसका नाम था पहले दोस्तों चित्रशिला के नाम से प्रसिद्ध था, चित्रेश्वर महादेव से दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ महादेव से नाम से प्रसिद्ध है यह मंदिर। तो दोस्तों यहाँ पर महादेव जी की बड़ी कृपा रहा करती थी, और दोस्तों यहाँ पर जो महादेव ने जिन्हें वरदान दिया था अमरता का, मार्कंडे ऋषि जी, वो यहीं रहते थे। तो दोस्तों आप देख सकते हो चित्रेश्वर महादेव के दर्शन कर सकते हो, और माता जिया माता के दर्शन करने चलते हैं दोस्तों, माता जिया से आज्ञा लेते हैं, और आप दोस्तों आप मेरे साथ चलें मंदिर में। जय हो माता, सब रक्षा करना। हे माता रानी, न्याय करने वाली देवी माता, कुलंकारी इष्ट है माता रानी। हे माता, तुम्हारी लीला का मैं बखान करने का रानी, मुझसे कहीं पर कोई गलती या टूटी यार कुछ भी रहा होगा माता रानी, तो उसमें समाप्त का सात हाथ लंबा हुआ है माता, क्या लेना है माता रानी। जगत माता है, जगत भवानी है, सब तेरे साथ है। जय गुरु जय जिया, जय गुरु जय जिया। हे माता रानी यार, तुम्हारा आशीर्वाद है, सब देवते यहीं पर आगे शरण आते हैं माता रानी, तुम्हारे चरणों में है माता रानी। किस तरीके से तुम न्याय की देवी बनी माता, किस तरीके से तुमने करा है माता आज तक दुनिया में माता, सब हमारी पीढ़ी भूलते हुए जा रही है माता, भाई इतनी शक्ति दे देना माता, तुम्हारा प्रचार कर सकूँ माता। हे माता शरण गच्छम रक्षम माता रानी, तुम्हारी शरण में हो माता रानी, सब दया करना माता रानी, सब करने वाले आप ही हो माता रानी, सब आपको सलाम ठोकते हैं माता रानी, वीर आपको सलाम ठोकते हैं, देव आपको सलाम ठोकते हैं माता रानी, सब माता रानी आपके हैं माता रानी, छत्र छाया में हो माता रानी, बस इतना कर देना माता रानी, मैं तुम्हारी भक्ति का प्रचार कर दूं माता रानी, बस इतना आदेश दे देना माता रानी। दोस्तों अब हम कतुरी राजवंश में आते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का अगर कोई सबसे लोकप्रिय अगर राजतंत्र है तो वो कतुरी वंश को बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। कतुरी वंश दोस्तों इतना लोकप्रिय है हर जगह, आज भी उत्तराखंड के जागर कथाओं में हर जगह इसका वर्णन मिलता है। और दोस्तों इतना लोकप्रिय होने के बाद दोस्तों इस वंश के दोस्तों जो छाप है वो कम जगह मिलती है दोस्तों, कोई ऐसा प्रमाण सटीक प्रमाण इस वंश का है नहीं कि क्या नाम कहते हैं ये वंश में ऐसा ऐसा हुआ करके, क्योंकि कोई उल्लेख और तथ्यों के आधार पर कोई बताने के लिए हर जगह से आप देखा जाओगे तो नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं जिन तीन आधारों पर इस मतलब कतुरी वंशों की शोध हुई है मैं वो तीनों रखूंगा दोस्तों आप लोग, क्योंकि दोस्तों मैं अगर आपको कतुरियों की कहानी कहीं से सुनाता हूँ या किसी देवता की सुनाता हूँ, कोई मुझसे बोल देता वो तो कभी युद्ध नहीं हार सकते हैं, कोई वो भगवान के अवतार हैं, कोई ऐसे अवतार हैं, तो इस तरीके से बोलते हैं दोस्तों कि
क्योंकि दोस्तों हम प्रमाणों के, मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ दोस्तों, प्रमाणों के आधार पर, तत्वों के आधार पर बोल रहा हूँ कि आप देखो जो मैं बोलूँगा दोस्तों, ये दरअसल तीन वेद से चलता है। नंबर एक पर जो दोस्तों मैंने इसमें रखा है पुरातत्व सोतु के आधार पर रखा है दोस्तों, जो इसमें पुरातत्व से जो जानकारों से जो रहा रीति वगैरह जो मिलती है उसके आधार पर है दोस्तों, ठीक है। और नंबर दो पर रखा है दोस्तों जागर, जो दोस्तों कत्यूरी वंश का कहीं पर ऐसा प्रमाण नहीं कि कत्यूरी वंश के शासक ये ऐसा ऐसा करके करते थे दोस्तों, जो इसका उल्लेख जो गायक में मिलता है दोस्तों हमारे उत्तराखंड की जागर गायन में, जितना जागर गायन में है दोस्तों उतना किसी में नहीं है दोस्तों इसका उल्लेख कत्यूरी वंश का लिखित में, कहीं पर इतना उतना प्रमाण, ठोस प्रमाण कहीं पर किसी ने वो नहीं देखा, ठीक है दोस्तों। और तीसरे नंबर पर है दोस्तों वंशावली, वंशावली में दोस्तों इस वंश ने ऐसे राज करा, इस वंश ने राज करा, तो मैं आपको दोस्तों तीनों के आधार पर बताऊंगा। तो दोस्तों मैंने जो इस सीरीज का नाम रखूंगा ये पार्ट नंबर वन से कह रहा हूँ दोस्तों, मैं शुरू से बता रहा हूँ कत्यूरियों के बारे में आप लोगों को, और इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों फिर बाद में जब मैं कहानी पाऊंगा धामदेव की, माता जिया की, और क्या नाम कहते हैं इसमें से बीच में से जब मैं आपके वहाँ पर जाऊँगा, जब बिच्छू देव की कहानी पाऊँगा, सभी देवताओं की जब कहानी पाऊँगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। क्यों जो इतने पूर्वज थे उनकी पूजा क्यों नहीं होती है, माता जिया, धामदेव, ब्रह्मदेव और इन लोगों की पूजा क्यों होने लगी कत्यूरी वंश में, तो उस पर भी प्रमाण डालूंगा मैं, सब चीज़ पर प्रमाण डालते हुए आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। जागर कथाओं का पूरा उल्लेख जहां से मिलता है वहां से बताता हूं दोस्तों। जो ये कहानी वगैरह जो मैं बता रहा हूं, दरअसल हमारे उत्तराखंड के चार लेखक हैं, तो दोस्तों मैं दो लेखकों को ले रहा हूँ क्योंकि उसमें भी मतांतर है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मतांतर है आपको बता रहा हूँ। जो नंबर एक पर मैंने इसमें रखा है बद्रीदत्त पांडे जी को रखा है क्योंकि दोस्तों वो उनकी आप जो हमारे उत्तराखंड में दोस्तों सबसे फेमस वही है दोस्तों, जो हमारे कत्यूरी वंश को जो जिंदा रखा, मतलब ये कहो बद्रीदत्त पांडे ने रखा दोस्तों, क्योंकि इतने लोग, इतने स्रोत, इतने वो करे। अब दोस्तों जरा मैं इनकी जीवन शैली पर आप लोगों को बता देता हूँ, ये दोस्तों ऐसे कवि थे, इनका फरवरी में जन्म हुआ था दोस्तों 1882 में, और दोस्तों उस टाइम पर क्या हुआ था दोस्तों, अंग्रेजों का ही शासन हुआ करता था, तो दोस्तों उस टाइम पर इनने क्या करा, पहले पढ़ाई करी, अपनी पढ़ाई करी, शिक्षा करी, तो दोस्तों इनकी नौकरी भी लगी दोस्तों, ये देहरादून में इनकी 7 अगस्त को मतलब नौकरी भी लगी, सरकारी नौकरी में लगी, तो सरकारी नौकरी भी इनने छोड़ दी थी दोस्तों इनका। और फिर दोस्तों ये कहाँ आए, अपने अल्मोड़ा राज्य में आ गए दोस्तों, अल्मोड़ा राज्य में इनका घर हुआ करता था, तो इनने उस टाइम पर एक प्रकाश का अखबार का काम, पत्रकारिता इनने अखबार खोला वहाँ पर, तो दोस्तों लोगों को प्रचार और जगाया, दो अखबार बना बना के इनने बेचा करते थे दोस्तों। तो दोस्तों फिर क्या करा, अंग्रेज लोगों ने काफ़ी रोक लगाई इनके अखबारों, जो रोक लगाई, ये करा वो करा, इनके अखबार सारे बंद करा दिए। तो दोस्तों जब इनके अखबार सारे बंद करा दिए थे, तो दोस्तों इनने क्या करा बाद में, बद्रीदत्त पांडे जी ने इस अखबार को काय का नाम दिया था, शक्ति अखबार, जो आज भी प्रसिद्ध है दोस्तों, हर जगह अल्मोड़ा वगैरह राज्य में आज भी वो अखबार बिकता है दोस्तों, शक्ति, वो बद्रीदत्त पांडे की देन है। तो दोस्तों यह कितने बार तो जेल ही होगा आए दोस्तों, उस टाइम पर भारत छोड़ो आंदोलन में जब चला, तो दोस्तों इनको कई बार जेल में डाला, 3-4 बार जेल में रहे दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों यह छूट के फिर दोस्तों इन्हें अपना ये सारे लेख वगैरह लिखे। तो दोस्तों हमें बद्रीदत्त पांडे जी को भूलना नहीं चाहिए क्योंकि दोस्तों वो इतने महान और इतने लेखक हैं कि आज दोस्तों हम अपने बच्चों को नहीं बता पाते हैं कि बद्रीदत्त पांडे कौन है, ये कौन है, क्योंकि दोस्तों अगर कत्यूरी वंश को अगर जिंदा रखा तो कहीं ना कहीं दोस्तों इन्होंने ही रखा, क्योंकि दोस्तों इन्होंने वो लेख तामपत्र वगैरह, इन्होंने सारी चीज़ों की खोज करी दोस्तों, उस युग में इनको खोज नहीं मिला दोस्तों, अब लगा लो कत्यूरी का। तो दोस्तों मैं बद्रीदत्त पांडे जी का दोस्तों मैंने एडिशन, जो एडिशन के भी काफ़ी दोस्तों काफ़ी लेख है, काफ़ी सर्च करा हुआ है इनने भी, काफ़ी उत्तराखंड के दोस्तों यशवंत सिंह को रखा हुआ मैंने, उनकी भी काफ़ी लेख वगैरह काफ़ी मिलता है दोस्तों उत्तराखंड के लेख में। और दोस्तों मैं इन्हीं के प्रमाणों के आधार पर आप लोगों को बताऊंगा, फिर जागर उल्लेख के प्रमाण के आधार पर भी आऊँगा, तो उसमें दोस्तों आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं थम कत्यूरी वंश राजा किसको घोषित करा गया दोस्तों इन लोगों के आधार पर, तो दोस्तों मतांतर कितना था मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। जो जयपाल चंद जो राजा थे कत्यूरी राजा दोस्तों, वो एक बार बद्री धाम की यात्रा में जा रहे थे अपनी पत्नी के साथ दोस्तों, उनकी पत्नी का नाम था दोस्तों कशाणी देवी। तो दोस्तों यह जब बद्री धाम की यात्रा में जा रहे थे दोस्तों, तो रास्ते में दोस्तों टिहरी जो जिला है, टिहरी जिले के दोस्तों सामने आपको थोड़ा सा नीचे एक मंदिर पड़ता है दोस्तों, कुलसाणी देवी दोस्तों। जब यह मंदिर पड़ता है दोस्तों, तो इस मंदिर की जो स्थापना करी है दोस्तों, वो कत्यूरी वंश के पाल देव राजा ने करी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से उल्लेख जो मिलता है कत्यूरी वंश का, यहाँ से मिलता है दोस्तों, इस वंशावली के आधार से, पाल वंशावली के आधार पर बुलाया जाता है दोस्तों, यहाँ से मिलता है दोस्तों उल्लेख। दोस्तों फिर जैसे अल्मोड़ा में जैसे हम आएंगे, तो अल्मोड़ा में आने पर दोस्तों लेखों के आधार पर बता रहा हूँ दोस्तों, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। जैसे कटारमल सूर्य मंदिर है, तो दोस्तों इसकी स्थापना भी बुलाया जाता है कत्यूरू के शासकों ने उस टाइम पर करी थी दोस्तों,
ठीक है। तो दोस्तों यह जो मैंने बताया आपको पुरातत्व के आधार पर बताया गया, जो पुरातत्व के आधार पर बोला गया है दोस्तों, ठीक है। मैं आता हूँ जागर पद्धति पर, जो हमारे उत्तराखंड की जो लोकगीत वगैरह जो भी है दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, हमारी माता जिया को क्या बताया है, प्रथम देवी बताया गया है, ठीक है। माता जिया सबसे सर्वोच्चम है और सबसे पूजनीय है, सब कुछ पूजनीय है। फिर इसमें दूसरी केल बताइए धामदेव, फिर दोस्तों पृथ्वीराय की बताइए, राजा पृथ्वीराय की चार केल बताई गई, फिर दोस्तों फिर मेहरू और ये जो दीवान वगैरह जो मोहरू वगैरह होते हैं दोस्तों, इनकी बताइए। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं इसमें उल्लेख बताता हूँ दोस्तों। पहले क्या हुआ करता था दोस्तों, हमारा जो दोस्तों ये दरअसल सच्चाई के आधार पर बात है दोस्तों, जो हमारे जो और तथ्य पर रखोगे तो दोस्तों वो आपको एक समान ही दिखाई देगी दोस्तों। हमारे जो पहाड़ में क्या हुआ करता था दोस्तों, उस टाइम पर आय के साधन बहुत कम हुआ करते थे। जैसे मैं अपने राज्य का राजा बन गया तो दोस्तों हमारे वहाँ पर आय के साधन बहुत कम हुआ करते थे, तो हमें क्या करता था करना पड़ता था दोस्तों, कभी हमें इस मुल्क से सहायता मांगनी पड़ती थी कभी इससे, तो हमारे उसमें मुगलों का आगमन हो गया था दोस्तों, तो मुगलों का आगमन हो जाता था, तो इसी तरह से हमें अपने जीवनचर्या को चलाने के लिए दोस्तों, ये कुछ व्यापार करने के लिए, जैसे हम किसी दूध से व्यापार करेंगे, किसी से अन्न लेंगे, तो दोस्तों वह सब गायन में आएगा दोस्तों। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से गायन वगैरह तो ये करते थे दोस्तों, उस हिसाब से करते थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यह जागर और जितने ज़्यादा उल्लेख और जितने ज़्यादा राजाओं का वर्णन हमारे जागर पद्धति में मिलता है दोस्तों, उससे ज़्यादा वर्णन आपको दोस्तों लिखित में कहीं प्रमाण नहीं मिल पाएगा आपको। और जो कत्यूरी वंश का जो नाम पड़ा दोस्तों, वो जागर उल्लेख से ही पड़ा है हमारे, जो बोला कत्यूरी वंश उससे पहले कहीं उल्लेख नहीं है दोस्तों। आप देखोगे तो दोस्तों जो जागर शब्द से ही निकाला गया कत्यूरी वंश राजा, तो दोस्तों ठीक है, मैं वैसे ये इससे बोल रहा हूँ जागर शब्द से दोस्तों, ये है जागर का अर्थ दोस्तों। जबकि दोस्तों ये पुरातत्व पहले हुआ था दोस्तों, जागर पद्धति बाद में चली दोस्तों हमारी, ठीक है दोस्तों। जागर पद्धति तो बहुत बाद में चली, एडी के हिसाब से बाद में बहुत चली दोस्तों, मैं आपको वो भी उसमें ही प्रकाश डालूंगा आपको, ठीक है दोस्तों। अब दो सोतों के बारे में मैंने बता दिया दोस्तों। अब है दोस्तों तीसरे नंबर पर वंशावली, वंशावली के आधार पर आता हूँ दोस्तों मैं आप लोगों को, ठीक दोस्तों। नंबर एक पर है डोगरी वंश और अशोक वंश, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये जो हमारे जो छात्र लोग तैयारी कर रहे हैं जीके एके की, तो दोस्तों उनके लिए भी काफ़ी सीखने के लिए है दोस्तों। ये ऐसा नहीं कि मन करा, ये दोस्तों इतिहास से रिलेटेड है और ये किताब से ही है सारी चीज़ें, ठीक है। डोगरी वंश और दूसरे नंबर पर है दोस्तों अस्कोट वंश। अब दोस्तों जब ये दो वंश हैं, इन दो वंश में किसको प्रथम अधिकारी बताया है दोस्तों, कत्यूरी वंश का। अब इन लोगों का कहना क्या था दोस्तों पता है, इन लोगों का जो कहना है कि हमारे जो वंशस्थ आए थे वो अयोध्या से आए थे, और उनने अयोध्या से जब यहाँ आए तो उनने पहली जो अपनी राजधानी बनाई थी वो रंचुला घाट पर बनाई थी दोस्तों, ठीक है। कत्यूरी घाटी जो बोला था रंचुला घाट पर इनने वहाँ से अपनी घाटी अपना इतने राज्य वगैरह सब स्थापित करा था दोस्तों, इन लोगों का कहना है दोस्तों, ठीक है। और इन लोगों ने ये भी कहा है कि हमारे जो पूर्वजों का जो तात्काल है वो हमें बहुत पहले से मिलता है सत्ययुग के टाइम में से दोस्तों। हमारे जो पूर्वज थे जो कश्यप ऋषि को, और दोस्तों जो दूसरे नंबर पर बढ़ाया दोस्तों जो विश्वकर्मा जी को इन्हें अपना बताया पूर्वज, हमारे पूर्वज वगैरह ये हुआ करते दोस्तों। इनके आसार अस्कोट और क्या डोंगरी वंश हैं, इन लोगों ने बताया दोस्तों कि हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, तो ये लोग इनके आधार पर ये बताया है, ठीक है दोस्तों। अब इनने बताया, अब दोस्तों आप लोगों को बता दो कश्यप ऋषि कौन है, मारिच ऋषि, ब्रह्मा जी के पुत्र मारिच ऋषि हुए, मारिच ऋषि के पुत्र कश्यप ऋषि हुए। कश्यप ऋषि की जो शादी हुई थी, जो कश्यप ऋषि की शादी हुई थी दोस्तों दक्ष प्रजापति की 27 पुत्र से हुई थी दोस्तों, ठीक है 27 पुत्र, और उससे दोस्तों फिर पूरा वंशावली चली दोस्तों इनकी दक्ष प्रजा, इतने बच्चे हुए देव और दानव वगैरह जो भी बने दोस्तों कश्यप ऋषि से बने हैं दोस्तों, ठीक है। अब इनने बोला, इस टाइम पर बोला गया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब इन अशोक इनको क्या बोले, इनने बोला हमारे पूर्वज वही है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों किस पर आए हैं, ये लेख के आधार पर है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों दो वंश और बचे हैं दोस्तों, ठीक है, नरसिंह जाप मंत्र, ठीक है दोस्तों। और दूसरा वंश है दोस्तों पालीवासी वंश, ठीक है दोस्तों, पालीवासी वंश और नरसिंह जाप मंत्र दोस्तों वंश, ठीक है दोस्तों। अब इन दो वंशों में किसको पहला राजा माना गया है दोस्तों, लेख के आधार पर दोस्तों, बद्रीदत्त पांडे और जो इतने भी लेखक हैं उत्तराखंड के, तो इनके आधार पर जो पहला राजा माना गया है किसको माना गया है, असंती देव वंश को। और उससे पहले उनने बोला है कि कोई वंश था ही नहीं कत्यूरी का, यहाँ पर जो लेख के आधार पर कोई वंश नहीं था, कोई कुछ नहीं था, और वो सब जितनी बातें हैं वो सब काल्पनिक हैं, ये बोला गया। और दोस्तों उसका कोई प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर इन लोगों ने बोला है दोस्तों, लेखक लोगों ने, ठीक है। तो ऐसा मत करें कि यार तुम बोलो करके, लेखक लोगों के आधार पर दोस्तों उनने बोला, कोई उसका आधार नहीं, कोई नहीं है। तो दोस्तों नरसिंह देव में भी जो पहला राजा बोला गया है वो असंती देव वंश को बोला गया है, और दोस्तों जो
पाली राजवंश में जो बोला गया है दोस्तों, वो भी असंति देव वंश को ही पहला राजा बोला गया। तो दोस्तों इन सूत्रों के आधार पर, सारी चीज़ों के आधार पर, तो हम लोगों ने सबको, और दोस्तों इसमें हमारी जागरण कथाओं में भी और सब में किसको बोला गया है, असंति देव वंश को ही पहला राजा बोला गया है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब इसके आधार पर आप लोगों को पता लग गया होगा कि पहला वो कौन से राजा रहे दोस्तों, ठीक है। उसके आधार पर दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये सारे तथ्यों के आधार पर और सारी जानकारी के आधार पर दोस्तों, चित्रेश्वर महादेव की जो मैंने आप लोगों को बताया है दोस्तों, दरअसल मैंने वो ऐसे मनगढ़ंत नहीं बताया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैंने वहाँ की किताब पढ़ी थी, यह दोस्तों किताब वहाँ की, मैंने वहाँ मेरे को मंदिर में गया था, तो दोस्तों मेरे को किताब मिली है, मैं आपको इसको दिखा दूंगा दोस्तों आपको पूरे अच्छे से, तो दोस्तों आप देख लेना दोस्तों। तो ये इनके आधार पर मैंने आप लोगों को कहानी दी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों क्योंकि मतभेद बहुत होता है दोस्तों, क्योंकि मैं अब जैसे कतुरी वंश पर आ रहा हूँ, तो दोस्तों पहला मैंने पार्ट बता लिया आज कि कतुरी वंश का पहला जो राजा थे वो असंति देव वंश रहे, फिर देव असंति देव वंश की जो, तो दोस्तों आप लोगों ने डिसाइड करा होगा कि कौन प्रथम राजा बना, मतलब इस हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया, और बुकों के आधार पर सबके आधार पर मैंने बताया कि कौन सा राजा कैसे किस आधार। तो दोस्तों अब जब ये राजा बने सब कुछ, अब तो दोस्तों मैं सूत्रों के आधार पर रखता हूँ कि विकेंद्रीकरण कैसे हुआ। बोलते हैं ना दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने बोला युद्ध नहीं आ रहे और ये नहीं हो रहा, दोस्तों जब चंद्रवंश आया, जब चंद्रवंशियों ने जब हराया पूरा, तो पूरा चंद्रवंशियों ने बहुत सारी चीज़ ऐसे देखी उत्तराखंड वालों को, जो आज भी दोस्तों चंद्रवंशियों के निशान आज भी मिलते हैं, सारी चीज़ के हमें प्रमाण मिलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे दे रखी हैं, तो मैं उस पर भी बात करूँगा दोस्तों वो बाद में, लेकिन अभी मैं कतुरी वंश को लेकर चल रहा हूँ, तो मैं उस पर आता हूँ दोस्तों आपको, ठीक है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले राजाओं का बता देता हूँ किस तरह से इन्हें राजपाट करा अपना, है ना, ठीक है। दोस्तों जो डोटी राज्य और अस्कोट राज्य के जो पाल राजा जो बने, तो किस तरह से बने, मैं थोड़ा उसमें प्रकाश डालूंगा दोस्तों, शॉर्ट शॉर्ट में दोस्तों, ठीक है, ज़्यादा उसमें नहीं डालते, शॉर्ट शॉर्ट में आपको बताते हुए चलूँगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मेरा जो उद्देश्य है दोस्तों उत्तराखंड की जागरगति पर आना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आप लोगों को पता हो जाएगा कि कैसे क्या हुआ कतुरी वंश का, ठीक है। दोस्तों 700 से 1000 ईडी तक जो करा था और शासकों ने राज करा था, मैंने आप लोगों को बताया है पहले, तो दोस्तों क्या हुआ 1040 से 1050 से, अगर दोस्तों आप बद्रीदत्त पांडे जी की किताब ले लो, किसी की एंडरसन की ले लो, किसी की लेखक की ले लो दोस्तों, तो उसमें पूरा मत मतांतर है, कोई ऐसा नहीं कि मतलब इनको लेकर आप इसे छोड़ ही दो दोस्तों, कब से कब किसने करा दोस्तों, ठीक है। तो मैं भी इसको छोड़ ही रहा हूँ कि दोस्तों, तो 1050 ईसा पूर्व से, तो पहले जो राज करा था दोस्तों, जब कतुरी वंश की स्थापना हुई थी, तो उसमें जो सबसे पहले जो राजा बने थे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, त्रिलोकपाल जो राजा थे वो राजा बने थे दोस्तों। तो इनका जो राजा था, इन्होंने काफ़ी राजपाट वगैरह करा, तो इनका जो लड़का था वो लड़ाई हो गया किसी, इनने कहा मेरे को आप अलग करो, ये सारी चीज़ें करो, इनने मेरे को राजा बनाओ, ये करो, उनने मैं तो बुढ़ा हूँ नहीं अभी, तो उनने कहा भैया तुम बुढ़े नहीं हो, तो उनने कहा ये किसी बात से नाराज हो गया, अपना नाराज है, उसने लड़ाई लड़ाई करी घर में, तो ये कहाँ आगे अस्कोट आगे। जब ये अस्कोट आगे तो इनने क्या करा, अस्कोट में एक नई राजधानी की स्थापना कर दी। तो दोस्तों यहीं से पाल वंश की स्थापना हुई, यहीं से जो बोलते हैं ना पाल अभिपाल, जो पाल वगैरह जो बने, तो दोस्तों यहीं से पाल वंश की स्थापना इनने कर दी, पाल वंश की नींव यहां से रखी दोस्तों, अस्कोट से। कभी भी जैसे जीके एके में कभी सवाल आया है, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि अस्कोट से पाल वंश की स्थापना करी थी अभिपाल ने, ठीक है। बोलो या मित्र बोलो, जो भी था निरंजन मल्ल था दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अब समय का अभाव बीतता जाता है, करते जाता है, और दोस्तों क्योंकि जैसा बोएगा वैसा काटेगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। अब दोस्तों क्या हुआ, इनके घर में भी जो हुआ लड़का हुआ, वो भी निरंजन पाल, वो भी इसने लड़ाई वगैरह करी घर पे, और उसको भी क्या करा, वो भी घर से छोड़ छाड़ के चले गया दोस्तों। अब दोस्तों मैं आप लोगों को ये मैप दिखा रहा हूँ दोस्तों, दरअसल ये मैप आप मैप के आधार पर समझ लेना। जब दोस्तों यह भी छोड़ छाड़ के क्या हो, इनने भी अपना घर बार छोड़ा, तो दोस्तों यह कहाँ चमोली जो है ना, चमोली दोस्तों, तो चमोली से आप देखो दोस्तों थोड़ा सा मैप में यह है, तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा था, तो वहाँ पर से इनने क्या पढ़ा, एक नए राज्य की स्थापना कर दी दोस्तों। तो दोस्तों उस राज्य का नाम क्या रखा है, डोटी राज्य। नेपाल के थोड़ा सा इधर को है, तो दोस्तों छोटे से कोने पर इनने अपना राज्य स्थापित करा, तो वहाँ से काय की स्थापना कर दी दोस्तों, इनने मल्ल वंश की स्थापना कर दी। तो दोस्तों वहां से क्या हो गया, मल्ल वंश की स्थापना जब हुई, तो धीरे धीरे फला फूला मल्ल वंश, और मल्ल वंश फला, तो दोस्तों यह क्या हुआ, इसका फिर आगे को चलता रहा दोस्तों वंश, ठीक है। अब दोस्तों इनके दो पुत्र हुए,
अब इनके वंश में क्या चल रहा था दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी जो बोएगा वही काटेगा दोस्तों, क्योंकि जो वंश थी चल रहा हुआ आ रही थी। तो दोस्तों इनने क्या करा फिर अपना ये वहाँ से छोड़ के इनके जो पुत्र हुए, तो दोस्तों जो इनके पुत्र हुए दोस्तों वो छोड़ के कहाँ आ गए दोस्तों, इधर साइड में आ गए, अलग साइड में उससे, ठीक है। उनका नाम था नागमल्य। तो दोस्तों नागमल्य के क्या हुए, नागमल्य के दो पुत्र हुए, दो पुत्र हुए तो दोस्तों उन नोबी ने भी अपना क्या करा दोस्तों, अलग राज्य स्थापित करा। तो पुत्रों का नाम था दोस्तों शमशेर मल्य और अजय सिंह मल्य नाम था दोस्तों। तो दोस्तों इनने भी काफ़ी राज करा। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, ये दोस्तों टुकड़ों में बढ़ता रहा दोस्तों, छोटे छोटे टुकड़ों में और छोटे छोटे टुकड़ों में करते 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 दोस्तों फिर क्या हुआ, ये अलग अलग राज्य में अलग अलग राज्य, और जितने टुकड़ों में बढ़ जाओगे दोस्तों उतनी क्या होगी, शक्ति तुम्हारी कम हो जाएगी। तो दोस्तों शक्ति कम होते गई, हम कम होते गई, कम होते गई, कम होते गई दोस्तों, तो इनका क्या हो गया, विकेंद्रीकरण हो गया। विकेंद्रीकरण हो गया तो दोस्तों ये क्या हो गया, पूरा कत्यूरी वंश उधर पूरा खत्म हो गया था दोस्तों, उधर पूरा अलग अलग टुकड़ों में बस के और अलग अलग राज्यों में करके, फिर कभी किससे थारू लोगों से हारे, कभी किससे हारते, कभी किससे हारते, ये हारते रहे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आपको पता लग गया दोस्तों। अब दोस्तों मैं पूरा तथ्य के जो अब बाद में दोस्तों इसमें काफ़ी विकेंद्रीकरण, पाल वंश, मल्ल वंश और दोस्तों छोटे टुकड़ों में आते रहे वंशावली, और ये पूरा विकेंद्रीकरण हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लेखकों ने जो इसका जो असंति देव वंश का जो बताया था दोस्तों, तो वो लेखकों के आधार पर आए थे दोस्तों, जैसे बद्रीदत्त पांडे जी हो गया, और क्या नाम कहते हैं दूसरा एक्सेशन हो गया, और जितने भी लेखक थे दोस्तों इनके आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये पुरातत्व के आधार पर हुआ दोस्तों। अब दोस्तों असंति देव वंश के आधार पर आता हूँ, और जिसकी राह रीति हमारे जागर पद्धति से काफ़ी मिलती है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, पहले क्या हुए दोस्तों, असंति देव वंश हुए, देखो ठीक है दोस्तों, जो लेखकों के आधार पर बताया गया है कि असंति देव वंश को, वो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं बोला जाता है। आप देख लो दोस्तों, ये मैं आपको उनका पुस्तक का है वो भी दिखा दे रहा हूँ, कि आप ये सोच रहे हो कि मन से बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं, आप देख सकते हो कि ये देखो इस टाइप से उसमें इनको इनका वंशज बताया गया है। अब दोस्तों इनसे बुलाया जाता है जब यह वहाँ अयोध्या से जब यहाँ आए थे दोस्तों, बुलाया था 500 घोड़े और हाथी और ये सारा अपने साधन वगैरह लेकर आए थे। तो इनने यहाँ पर कहाँ करा युद्ध कर दिया दोस्तों, ने कहाँ करा रणचूला घाट, चूला घाट पर चढ़ाई करी, और दोस्तों वहाँ क्या करा, उस टाइम पर वहाँ का जो राजा हुआ करता था दोस्तों रणवीर सिंह हुआ करता था दोस्तों, ठीक है। जब वो दोस्तों वहाँ पर राजा हुआ करता था दोस्तों, इनने क्या करा, जब 500 घोड़े वगैरह लेकर आए तो इनने इनके साथ युद्ध करा, और युद्ध में उनको क्या कर दिया, परास्त कर दिया दोस्तों। जब परास्त कर दिया तो दोस्तों ये हार गए दोस्तों, हार गए, तो वहाँ से इनका राज स्थापित हो गया दोस्तों, जोशीमठ से इनका राज। दोस्तों जब इनका काफ़ी राजपाट चला, काफ़ी लंबे समय तक चला था दोस्तों, इनके जो पुत्र हुआ करते थे तो दोस्तों वो हुआ करते थे वसंती देव, ठीक है दोस्तों, वो थे असंति देव, और ये हो गया वसंती देव, और इनका ही एक नाम और भी था सुखपाल नाम से इनको जाना करते थे। तो दोस्तों यह क्या करते थे, यह जो थे दोस्तों बड़े पराक्रमी थे, योद्धा थे, और दोस्तों ये पहाड़ तक को पिघलाने की ताकत इनके पास थी दोस्तों, इतने शक्तिशाली थे दोस्तों। अब इनको दोस्तों भगवानों का अवतार बोला जाता था, और ईमानदार अपने निष्ठावान क्रमभार से, इनकी पत्नी का नाम था प्योला माता, ठीक है दोस्तों, ये अपने नियम और सच्चाई से बोलते जाते, इनके साथ सारी शक्तियाँ चलती थी दोस्तों, एंड बैंड जो भी था दोस्तों इनके साथ चलता था। अब दोस्तों ये दोस्तों कहाँ थे, इस टाइम पर यहाँ थे दोस्तों, यहाँ के राजा थे दोस्तों, ठीक है। अब इनने क्या करा दोस्तों, उस टाइम पर दिल्ली में जिसका सत्ता हुआ करता था ना दोस्तों, जैसे आज केंद्र में क्या है, दिल्ली केंद्र हमारी सरकार है, तो दोस्तों जो केंद्र में बैठता था दोस्तों बड़ा पावरफुल राजा हुआ करता था दोस्तों उस टाइम पर, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने क्या करा, वहाँ से चढ़ाई करी दोस्तों, यहाँ से चढ़ाई करी और वहाँ युद्ध पर आक्रमण कर दिया दोस्तों, ठीक है, दिल्ली पर आक्रमण करना दोस्तों, और दिल्ली को सभी राज्यों का सपोर्ट हुआ करता था दोस्तों, सभी जगह से सभी शहरों से सपोर्ट हुआ करता था। इनने अपनी सेना दोस्तों, सोचो क्या हुआ होगा दोस्तों उस टाइम पर, अपनी सेना खड़ी करने के बाद ये कहाँ चले गए दोस्तों, लड़ाई करने दिल्ली चले गए। पर जो वहाँ का राजा हुआ करता था दोस्तों, इंद्रपाल नाम से वो प्रसिद्ध था, इंद्र हुआ दोस्तों, पूरा इंद्र का सिंहासन उस टाइम पर की बात है दोस्तों, जो दिल्ली में बैठता था अपने आप को इंद्र से कम नहीं समझता था, पूरा इंद्रपाल राजा हुए दोस्तों। तो दोस्तों वहाँ इन्हें युद्ध करा, और युद्ध करने के बाद दोस्तों घमासान युद्ध हुआ, अस्त्र का शस्त्र का दोस्तों उस टाइम पर ज्ञान भी हुआ करता था दोस्तों, अस्त्र शस्त्र का पूरा। तो दोस्तों इन्हें पूरा युद्ध करा के और दोस्तों इंद्रप्रस्थ को हरा दिया, और दोस्तों जब वहाँ से हरा दिया पूरा इंद्रप्रस्थ को, हराने के बाद दोस्तों ये पूरे रज अपने यहाँ आए, तो दोस्तों इनको फिर इंद्रजीत भी कहने लग गए थे दोस्तों उस टाइम पर। उस टाइम में बोला जाता था इंद्रजीत भी यही है दोस्तों, सब यही है दोस्तों। एक खासियत और थी
उनकी खासियत ये थी कि उनने अपने राज्यकाल में क्या करा, जैसे छोटी उम्र वाले जिस औरत का पति वगैरह नहीं हुआ करते थे, जैसे युद्ध जो सैनिक वगैरह जो युद्ध में शहीद हो जाते थे, जो उनके बच्चे वगैरह छोटे वगैरह रहते थे, तो जब उनका बच्चे जब छोटे रहते थे ना 20 साल से कम उम्र के होंगे, तो उनसे कर नहीं लिया जाता था, उनसे मतलब काम नहीं कराया जाता था। इतने अच्छे राजा थे वसंती, जो मेरे सब्सक्राइबरों ने मुझसे सवाल जवाब पूछे हैं तो मैं वो बताता हूँ आप लोगों को, मित्र लोग और मेरे भाई लोग जो भी हैं सके बंधु। तो सबसे पहले हमारे सब्सक्राइबर राजेंद्र नेगी जी हैं, उनने धन्यवाद, उनने जय हो नरसिंह देवता और जय हो बोला है और कोटि कोटि, तो आपका धन्यवाद नेगी जी, आप हमारे हर वीडियो में कमेंट मारते हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और हमारे अगले सब्सक्राइबर हैं महिपाल जी, तो महिपाल जी ने कहा हिमुदा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो जिससे हमारी संस्कृति को आगे बढ़े और हमें काफ़ी चीज़ जानकारी, देखो हमें, देखो दोस्तों हम ये नहीं कहते कि मैं बहुत अधिक जानता हूँ या बहुत अधिक बड़ा हम विद्वान है, और आप लोगों से मैं भी सीख रहा हूँ, जैसे आप लोग मुझे काफ़ी चीज़ें इधर उधर से आते हैं मैसेज के द्वारा मेल द्वारा, तो आप लोग भी मुझे सिखाते हो दोस्तों, और मैं आप लोगों को एक मिजिटेन बीज का काम कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग मुझे बहुत सारी चीज़ें ज्ञान देते हो तो मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए मैं भी आप लोगों का धन्यवाद कर रहा हूँ कि आप लोग मुझे काफ़ी चीज़ सिखा रहे हो, और दोस्तों हमें ज़्यादा ना पता हो, कम से कम हमें इतना तो पता हो कि उत्तराखंड का इतिहास क्या है, उत्तराखंड के लोग कैसे थे, क्या थे, हमारी पुरखानी विस्तार जो रहती थी, देखो हमें कुछ करे ना करे लेकिन हमें अपने पुरखों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, हमारे पुस्तानी वगैरह क्या थे, कैसे उनने दिन काटे, कैसे व्यतीत करे, तभी तो हम तथ्यों के आधार पर आज हम भले ही कुछ करें दोस्तों, ठीक है। हमारे अगले सब्सक्राइबर हैं अनिल जी, उनने भी बोला हमें देवता की कहानी दो नगेला, तो उसमें देखो मैं आपको दूंगा, जैसे मेरे को कोई कहानी आती है नगेला देवता की कुछ, और जैसे अधिक आता है जैसे व्हाट्सअप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कहीं से भी कुछ आता है तो मैं आपको दूसरा पार्ट भी डालूंगा, ठीक है। हमारे अगले सब्सक्राइबर है संजय जी, इनने बोला कि क्या नाम कहता है, आपकी कहानी काफ़ी शानदार वगैरह, धन्यवाद आपका कोटि को जो कतुरी वंश जब डाल रहा हूँ दोस्तों, देखो ये हमारे घर में चाहे कतुरी देवता हो या ना हो, कुछ हो ना हो, लेकिन ये हमारे क्या हैं, पूर्वज हैं, तो हमारे वंशावली है, इनने काफ़ी कुछ करा है इतिहास के लिए, तो हमें इनको सुनना चाहिए, हम ऐसे नहीं हम हर्जू करू के हैं या हम कोई भी हैं तो हम इनको ना सुने और हमारे ये केल अलग है, सबसे पहले ये हमारे पूर्वज हैं और हमें इनको सुनना चाहिए, इनको आदि पुरुष हैं हमारे और इनको हमारा मान सम्मान बराबर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हमारे अगले सब्सक्राइबर हैं लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी ने बोला है मुझे कि जो कचरियों का जो फैसला करते हैं वो कौवा देवता करते हैं, गोलजू नहीं करते हैं, तो दो लक्ष्मण जी ठीक है वो बात सही है, आपकी बात सत्य है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो कौवा देवता करते हैं वो बहुत बड़े देवता हैं, जैसे वल का जल कलवा, वायु कलवा, धल कलवा, पैताल का कलवा, आकाश का कलवा, और इनको कई जगह शंकर का अवतार भी बोला जाता है, भगवान शंकर का, क्योंकि बोला जाता है कलवा देवता, भूरी कलवा वगैरह सब इनके, इनको जो बोला जाता है क्योंकि अब ये गोलजू के छोटे भाई हुए, ठीक है, अब इनको जब ये कतरू में नाचते भी हैं तो ये जय जिया नहीं कहते हैं, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, जय गुरु बोलते हैं, ठीक है, जय गुरु जय दादू बोलते हैं, ठीक है, जय गुरु जय दादू, जय गुरु जय दादू बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों ये क्योंकि इनको कतरू आधे गुरु मानते हैं, ठीक है, कौवा देवता को गुरु मानते हैं, क्योंकि एक गुरु की विद्या के अनुसार है, मैं ये तथ्यों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, ये असत्य हो गया 100%, क्योंकि जब कतुरु जब यहाँ पर जिया रानी के वहाँ जब बंदे हुए थे तो बुलाया था, उस टाइम पर कौवा देवता ने ही इनकी पुकार सुनी थी और कौवा देवता ने ही इनको छुड़ाया था वहाँ पर से, तो दोस्तों ये तथ्यों के आधार पर नहीं, मतलब तब से इनको गुरु माना जाता है वहाँ से बोलते हैं। हानी जो मैं कतुरु की पूरी वंशावली बता रहा हूँ ये आप लोगों के आधार पर और आप लोगों की रिक्वेस्ट पर, जो आप लोगों ने मुझे लगातार रिक्वेस्ट करे जा रहे हैं कि हिमदा हमें 9 लाख कतुरु के बारे में बताओ, 9 लाख कंधापुरी वगैरह, तो मैं इसी आधार पर ही आप लोगों को वहाँ तक लेकर आऊँगा पूरी कहानी, ठीक है। हमारे अगले सब्सक्राइबर हैं, इनने काफ़ी टाइम से मुझसे हाट कालिंका माता जी की कहानी मांगी है, तो मित्रवर मैं आपको काफ़ी टाइम से नहीं दे पा रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ मेरे पर कहानियों का लोड इतना है, बहुत ज़्यादा है, तो मित्र और मैं जब माता की कहानी डालूंगा तो एक पार्ट नहीं डालूंगा, लगातार 4-5 पार्ट डालूंगा, उनकी लीलाएँ बखान कहाँ कहाँ कैसे कैसे वो फैले क्या हुआ। हाट कालिंका माता बहुत बड़ी माता है, कि ऐसा नहीं कि मैं उनके बारे में थोड़ा बहुत बता के और फिर अगली कहानी चले जाऊँ, ऐसा नहीं होगा, जब मैं उनके बारे में बताऊँगा तो पूरा बताऊँगा। हाट कालिंका के माता के खाली एक मंत्र से ही सारी विविधाएँ बाधाएँ दूर हो जाती है, जैसे ठीक है वो तो बहुत बड़ी माता है, ऐसा है कुछ नहीं, उनके काली काली ब्रह्मा की पुत्र इंद्र की शाली बोलते हैं, तो दोस्तों ये मंत्र मात्र से ही दोस्तों विविधा और विविधा दूर वगैरह, दोस्तों बच्चे को जुका फूका जो भी लगता है दोस्तों वो आधे से ज़्यादा वैसे कट जाते हैं, तो ये सारी सत्य घटना है माता की, तो इसलिए मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, ठीक है। गेश जी ने बोला कि बिच्छू देवता की कहानी सर विधान निवेदन है, आपको निवेदन करने की जरूरत नहीं है, मैं आप देखो ये इसमें आऊँगा तो सभी को इसमें ऐड करते हुए चलूँगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों दिल्ली का जो बिच्छू पवार जी थे, 4 भाई थे, अंतवा बिच्छू कारगी, बिछुआ कारगी, सतवा कारगी, सब इनका मैं सबका प्रमाण दूंगा आप लोगों को, तो ये किस टाइप से कतरी उसमें आए, तो मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे आ रहा हूँ, तो आप उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों जब तक के लिए बाय, ओके और जय उत्तराखंड।
जय भीम। और दोस्तों जय हो, हर हर महादेव। एक बार बोलो सुबह शांत, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो कतुरी देवताओं की जय, बोलो हर हर महादेव। जय वीरकारा बजरंगी।